फिल्म निर्माण कंपनी विजन इंटरनेशनल के बैनर तले बनने वाली हिंदी फिल्म कहानी एक संघर्ष की का हसनपुरा इलाके में मुहूर्त शॉट लिया गया। वर्तमान समाज में शिक्षा की स्थिति और उसकी विसंगतियों की ओर इशारा करने वाले इस फीचर फिल्म में एक लड़के के संघर्ष की कहानी को दर्शाया गया है। इस संघर्ष के जरिए शिक्षा सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला जाएगा। फिल्म के निर्देशक नितिन माथुर हैं जो कहानी को लीक से हटकर बताते हैं और फिल्म की सफलता के प्रति आश्वस्त हैं। फिल्म की शूटिंग राजस्थान और जयपुर के विभिन्न लोकेशन पर मई और जून माह में संपन्न की जाएगी। फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई के टेक्निकल टीम को प्रोडक्शन जोड़ा गया है। फिल्म के छायाकार प्रणम है जो कई फीचर फिल्मों में कैमरे से अपना हुनर दिखा चुके हैं। फिल्म के मुख्य कलाकार अनमोल ने बताया कि उनका सौभाग्य है कि राजस्थान भर से लिए गए ऑडिशंस में उन्हें चुना गया है और सामाजिक सौदेश्य से जुड़ी फिल्म से उनका फिल्मी दुनिया में पर्दापन हो रहा है। इसकी जो कहानी है, जब मुझे इसके डायरेक्टर नितिन जी माथुर ने जब मुझे ये कहानी सुनाई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं इससे प्रेरित हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेरे जीवन पे आधारित या कहीं ना कहीं मेरे जीवन को, जब मैंने इतने टाइम से जी रहा हूँ मैं अपने जीवन को, उसमें मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये कहानी उससे मैच करती है। और हमारे राजस्थान लेवल पे या जयपुर लेवल पे जितनी भी फिल्म बन रही हैं या हिंदी फिल्म पर अगर हम बात करें तो मुझे इस कहानी ने बहुत उत्साहित किया। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतने सारे जयपुर और राजस्थान के कलाकारों में से मुझे चुन करके इस कहानी के लिए या इस फिल्म के लिए मुझे चांस मिला। फिल्म में जयपुर और मुंबई के कलाकार काम कर रहे हैं। फिल्म के आगामी सितंबर माह में सिनेमाघरों में आने की संभावना है। संगीत साजिद खान ने दिया है और फिल्म के सह निर्माता रोहित जैन हैं जो फिल्म के हाईली टेक्निकल साउंड होने का दावा करते हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म समाज का भयानक चेहरा सबके सामने लाएगी। फिल्म के प्रोड्यूसर अजय सिंह इससे पूर्व डिग्गी पुरी का राजा जैसी सफल फिल्म बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म की कहानी इतनी डिफरेंट और सार्थक है कि कहानी सुनते ही उन्होंने इस फिल्म को बनाने का निर्णय कर लिया था। इंटरनेशनल के बैनर तले बनने वाली फिल्म कहानी एक संघर्ष की, इस फिल्म में हमने अनमोल को इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि करेक्टर के हिसाब से हमको लगा कि अनमोल से बेहतर इसको कोई नहीं कर सकता। और ये फिल्म की जो स्टोरी है वो एक एजुकेशन बेस्ड स्टोरी है। एजुकेशन के क्षेत्र में अगर कोई आदमी कुछ करना चाहता है, ईमानदारी से कुछ करना चाहता है, तो उसकी राह में कितनी प्रॉब्लम्स आती है, इसके ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है। और साथ में स्कूल के का बैकग्राउंड दिखाया है, स्कूल में बच्चों की छोटी छोटी शरारतें और स्कूल का माहौल। फिल्म के अंदर 5 गाने हैं और एक हमारा एक प्रयास है एक सार्थक फिल्म बनाने का।